नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। अगर आप ऐसे फंड में निवेश करना चाहते हैं, ऐसी कंपनियों में निवेश करना चाहते हैं जो कि पर्यावरण सेंसिटिव है, यानी पर्यावरण का ख्याल रखती हो, सोशल कॉर्पोरेट गवर्नेंस का ख्याल रखती हो, या फिर जो सस्टेनेबल एनर्जी हो उसमें यकीन रखती है, तो आपके लिए एक बेहतरीन मौका है ESG थीम में निवेश करने का। अब ये ESG थीम है क्या, कैसे काम करती है, आपके पोर्टफोलियो में अगर आप एक ESG फंड ऐड कर लेते हैं तो इसका आपको क्या फायदा होगा, भारत में ESG जो थीम है वो कितनी पॉपुलर है और आने वाले समय में इसका स्कोप कितना ज्यादा है, इस पर रहेगी आज हमारी खास चर्चा। हमारे साथ जो दो खास मेहमान है, सबसे पहले उनका परिचय करा दें। रुचित मेहता, फंड मैनेजर SBI मैग्नम इक्विटी ESG फंड, और विरल भट्ट, फाउंडर मनी मंत्र। रुचित और विरल दोनों का करते हैं स्वागत शो में। और आज के शो में क्या है खास, सबसे पहले नजर डाल लेते हैं। आज हम शो में खास तौर पर समझेंगे क्या होते हैं ESG फंड, भारत में ESG थीम की क्या है स्थिति, ESG फंड में निवेश करने के फायदे क्या हैं, और थीम बेस्ड फंड में निवेश के पहले आपको क्या रखना चाहिए ध्यान। तो सबसे पहले रुचित, आपके पास हम आएंगे और ये समझने की कोशिश हम करना चाहते हैं अपने निवेशकों के लिए भी। ESG अब्रिविएशन है एनवायरमेंट सोशल गवर्नेंस, और ये एक कंपैरेटिवली एक नया कॉन्सेप्ट या नई थीम है निवेशकों के लिए। अगर ESG के बारे में आप कुछ हमारे निवेशकों को, हमारे दर्शकों को समझाएं तो वो आसान तरीका क्या होगा? नमस्ते। जनरली जैसे हम देखेंगे कि कोई भी फंड मैनेजर या एनालिस्ट जब कोई कंपनी के बारे में रिसर्च करते हैं, तो अब तक जो प्रोसेस रहा है उसमें हम ये देखते हैं कि कंपनी की बिजनेस क्या है, उसकी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज क्या है, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, बैलेंस शीट की स्ट्रेंथ कैसी है, मैनेजमेंट की कैपेबिलिटी कैसी है, तो ये सब वेरियस फैक्टर्स पे हम ज़्यादा फोकस करते हैं। जब हम ESG की बात करते हैं तब हम दूसरे एक लेवल का एनालिसिस करते हैं कि ये जो कंपनी है उसको ये ESG के जो तीन फैक्टर है, जैसे एनवायरमेंट हो गया, दूसरा हो गया सोशल, तीसरा हो गया गवर्नेंस, इन तीन फैक्टर्स से फायदा क्या हो सकता है और ये इन तीन फैक्टर से रिस्क क्या आ सकता है। जैसे अभी मैं एक एग्जाम्पल दे हुआ आपको, जिस हिसाब से अभी आपने देखा होगा कि पिछले एक या दो साल में बहुत सारे एनवायरमेंटल चेंजेस हो रहे हैं, कभी कभी बारिश होती है जहाँ जब होना नहीं चाहिए, जैसे भी हालात लास्ट एक या दो दिन से मुंबई में बारिशें हो रही है जब नॉर्मली दिसंबर में कभी होता नहीं है। इन सब अगर कभी कभी कभार क्या होता है कि ये क्लाइमेट चेंज की वजह से कुछ कंपनीज के बिजनेस में इम्पैक्ट आ सकती है। हमने देखा है कि बहुत सारे जगहों पर कभी बाढ़ आती है तो फैक्ट्रियाँ बंद हो जाती है, कंपनियों के नुकसान हो जाते हैं। तो ये जो एक रिस्क है, अगर ये क्लाइमेट चेंज कंटिन्यू रहा और ये क्लाइमेट का प्रॉब्लम बढ़ता गया तो बहुत सारे कंपनियों को प्रॉब्लम आ सकती है, उनके कॉस्ट पड़ सकते हैं, इंश्योरेंस कॉस्ट पड़ेगा उनका, बिजनेस लॉस आ सकता है क्योंकि उनके कभी कभार उनको फैक्ट्रियां बंद करनी पड़ेगी। तो ये जो ESG फंड्स होते हैं या ESG एनालिसिस होता है, ये इन फैक्टर्स पे थोड़ा ज्यादा फोकस करते हैं कि देखिए कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स, सोशल फैक्टर्स या गवर्नेंस फैक्टर्स से कंपनीज को क्या रिस्क है। कुछ कंपनीज को तो इन फैक्टर्स से शायद से बेनिफिट भी आ सकता है, जैसे आपने आपके दर्शकों को बताया कि कभी कभार कुछ कंपनियां ग्रीन एनर्जी में भी इन्वेस्ट करती है जिनसे पोल्यूशन से हमें पोल्यूशन के खिलाफ काम करने वाली टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट कर रही है। तो अगर ये सब कोई कंपनी है तो उनका ग्रोथ फ्यूचर में ज्यादा हो सकता है, क्योंकि जैसे हमें ग्रीन एनर्जी की तरफ इन्वेस्टमेंट होगा या जैसे हम एंटी पोल्यूशन टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट करेंगे वैसे। तो दोनों तरफ से एनालिसिस होता है, क्या रिस्क है और क्या अपॉर्चुनिटी है। आपने बहुत ही क्लियर शब्दों में बताया कि हम एनवायरमेंट सोशल गवर्नेंस यानी ESG से क्या मतलब रखते हैं और कैसी कंपनियों में निवेश होता है, बेसिकली नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स को देखा जाता है। यहां पर विरल आपसे जानना चाहेंगे ESG थीम, ESG स्कीम या ESG फंड कहें, ये जो ग्रोथ का ट्रेंड है कंपैरेटिवली अगर हम समझे भारत में थोड़ा नया है, तो अगर हम पिछले, जैसा रुचित ने भी बताया, पिछले एक डेढ़ या दो साल में हमने एक बढ़ता हुआ ट्रेंड जरूर देखा है, कुछ आप बता पाएंगे इसके बारे में और क्लैरिटी दे पाएंगे कि ESG फंड खासतौर पर भारत में किस तरीके का ट्रेंड अब तक रहा है?
यू स्वाति जी शो में बुलाने के लिए। जी बिजनेस में ये मेरा पहली बार मैं आपके साथ शो कर रहा हूँ, तो थैंक्स अ लॉट फॉर इनवाइटिंग मी। स्वाति जी, यानी ये काफी इंटरेस्टिंग है, ये जो थीम है वो ऐसा कह सकते हैं कि बहुत ही नई थीम कह सकते हो इंडिया के लिए। काफी बार ये थीम के बारे में, ये इन्वेस्टिंग के बारे में इंडिया में आवाज उठती है। यहाँ पे काफी सारे ऐसे फंड हाउसेस हैं, म्यूचुअल फंड कंपनियां हैं जो जिन्होंने ये फंड्स यहाँ पे लॉन्च किए हैं। और अगर आप देखें कि लास्ट 1-2 सालों में मेरे मैंने जो आज एनालिसिस में कर रहा था, तो मैंने देखा कि 71% ग्रोथ यहाँ पे लोगों ने सोचा है कि इसमें हम निवेश करना चाहते हैं। पर मैं ये कहूंगा कि स्वाति जी, ये जो थीम है, यानी ये एक स्पेशल थीम कह सकते हैं। जैसे म्यूचुअल फंड में एक सेक्टोरियल फंड होता है, एक थीम बेस्ड होता है, वैसे ही एक ESG भी एक थीम है। उनको समझना चाहिए पहले, क्योंकि थोड़ी सी हटकर ये इसकी इन्वेस्टिंग स्टाइल होती है। इंडिया में हालांकि नहीं है, आप बाकी देशों में देखें तो काफी उसके पैरामीटर्स और काफी जो उसके कंप्लायंसेस और जो फ्रेमवर्क है काफी सही तरीके से बनाए हैं, और वहां पे कंट्रीज फॉलो भी करती है। बट यहाँ पे अगर देखा जाए तो थोड़ा सा इनिशियल स्टेज रहेगा। इंडिया में जैसे मैंने कहा कि ग्रोथ तो हो रहा है, फंड आ रहे हैं, कॉन्ट्रीब्यूशन भी बढ़ रहा है, बट इनिशियल स्टेज है, तो थोड़ा इंडिया के लिए ये नया होगा और इन्वेस्टर्स के लिए भी नया होगा कि ये थीम में, अगर थीम पे हमको इन्वेस्टमेंट करना है, क्योंकि मैं एक इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क जब भी रेडी करता हूँ तो मैंने ऐसे बहुत सारे फंड्स होंगे जो जहां पे मैंने इन्वेस्ट किया होगा, बट जब भी मैं थीम बेस्ड करता हूँ तो डेफिनेटली शुरू में तो हमको ये नहीं करना होगा। बट एक पोर्टफोलियो में अगर उनकी प्लेसमेंट होती है और लगता है कि मुझे करना चाहिए, तो ये जो है थोड़ा सा नयापन ला सकता है आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में। ओके, तो एक डाइवर्सिफिकेशन, एक नए फ्लेवर के तौर पर ESG फंड आप अपने, एक थीम बेस्ड फंड आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। इनफैक्ट रुचित, SBI तो एक बहुत पुराना खिलाड़ी रहा है ESG फील्ड में, और सबसे पुराना फंड SBI का ही रहा है एज फार एज ESG फंड इज कंसर्न। तो आपके लिए तब से अब तक और पिछले कुछ सालों का ग्रोथ ESG फील्ड में कैसा देखने को मिला? साथ ही साथ भारत में क्यों लगता है कि ESG थीम के लिए खास तौर पर आने वाले समय में मौके और बनेंगे? थैंक यू। हमने पिछले 3 साल में देखा है कि हमारे ये फंड के एसेट्स अच्छे तरह से बढ़े हैं, नए इन्वेस्टर्स भी आए हैं। जैसे जैसे इन्वेस्टर्स ने समझा है कि ये कॉन्सेप्ट क्या है, उनको एक लेवल का अंडरस्टैंडिंग बना है और एक अप्रिसिएशन आया है कि ये जो ESG के 3 इम्पोर्टेंट फैक्टर्स है, ये क्यों इम्पोर्टेंट है और किस तरह से उनको इन फैक्टर्स पे फोकस करके बेनिफिट होगा, तो हमने देखा है कि इन्वेस्टर्स आए हैं। दूसरा, जो आपने कहा कि इंडिया में जो सिचुएशन है ESG थीम या ESG फैक्टर्स के लिए, हमने ये भी देखा है कि पिछले 3 साल में बहुत सारे कंपनियों ने इन 3 ESG फैक्टर्स पे बहुत फोकस किया है। सभी कंपनियों ने धीरे धीरे समझ लिया है कि ये ESG फैक्टर्स आगे जाके बहुत इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, तो उन्होंने भी अपने बिजनेस प्रैक्टिसेस को भी चेंज करना शुरू किया है। कुछ लोगों ने अपने ESG सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट्स भी पब्लिश करने चालू कर दिया है। और दूसरा भी है कि कंपनीज को ये भी एक मौका मिला है कि ग्लोबली इतने सारे एसेट्स ESG फंड्स की तरह जा रहे हैं, तो उन्हें एक नया पूल ऑफ कैपिटल मिलना शुरू हो गया है। और बहुत सारे फंड्स ऐसे भी होते हैं, थोड़े इंडिया में भी है पर बहुत ज्यादा इंडिया के बाहर है, जो सिर्फ उन कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं जिनके ESG परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है। तो और कभी कभार तो वो उनको उनका जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो भी कम होता है, तो कंपनियों को भी फायदा हो रहा है। तो ये एक बढ़ता हुआ ट्रेंड है और हमने देखा है कि ये आगे जाके और बढ़ेगा भी, और इन्वेस्टर्स और कंपनी दोनों को इस ट्रेंड से फायदा हो सकता है। बिल्कुल रुचित, जिससे पहले मैं विरल के पास जाऊं, एक बात समझना जरूरी है कि जो दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं, आपने बताया कि हाँ, ग्रोथ का ट्रेंड पॉजिटिव है, आने वाले टाइम में हम इसको बढ़ता हुआ ही देखेंगे। और भारत में स्पेशली अगर हम विदेशों के मुकाबले देखें, अभी प्राइमरीली एक नया थीम है, पर धीरे धीरे ये पकड़ अपनी मजबूत कर रहा है। अगर एक किसी
आम निवेशक के पोर्टफोलियो के लिए इसके फायदे अगर हम गिनाएं तो आपको क्या लगता है कि एक पोर्टफोलियो में ईएसजी फंड कितना फायदेमंद साबित हो सकता है? जनरली अगर हम देखेंगे कि ये ईएसजी फंड जो है बहुत सारे अभी आजकल इंडस्ट्री में है, दो साल पहले सिर्फ दो फंड थे, आज के दिन पे करीबन 8 या 9 म्यूचुअल फंड ही है जो ईएसजी थीम में है। जनरली सब जो फंड्स हैं वो एक पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट स्टाइल के हिसाब से है। जैसे हमारा फंड जो है वो प्रीडोमिनेंटली लार्ज कैप ओरिएंटेड है, तो हमारे फंड में 70-80% जो स्टॉक्स है वो लार्ज कैप है और बाकी 20-30% मिड एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स है। तो आप जनरली कोई भी फंड का जब आप इवैल्यूएशन करेंगे तो आप देखेंगे कि उनका जो कोर इन्वेस्टमेंट स्टाइल क्या है और फिलोसॉफी क्या है। ईएसजी एक एडेड इन्वेस्टमेंट एनालिसिस है, तो कोई भी लार्ज कैप एलोकेशन होगा किसी इन्वेस्टर का उनके पोर्टफोलियो में, तो वो लार्ज कैप एलोकेशन में ये हमारा फंड शायद से वहां फिट हो जाएगा। बिल्कुल। और विरल, आप इसमें ये मैं चाहती हूँ आप बताइए दर्शकों को कि अगर किसी को अपने पोर्टफोलियो में ईएसजी फंड ऐड करना है तो क्या उन्हें देखना चाहिए एक फंड में, ईएसजी फंड में पोर्टफोलियो में क्या वैल्यू ऐड करेगा? यानी ये स्वाति जी, ये है ना थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि ये मैं थोड़ा उसको थोड़ा अलग तरीके से कहूंगा कि ये जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, पहले तो मैंने कहा कि उसको समझना चाहिए कि ये ईएसजी की जो थीम है वो क्या है। और मैं जो क्लाइंट्स को मिलता हूँ, मेरे इन्वेस्टर्स को मिलता हूँ, तभी मैंने देखा है कि एक चीज होती है लोगों में कि सोसाइटी को गिव बैक करना। यानी मैं जो सोसाइटी में रह रहा हूँ, जो एनवायरमेंट में रह रहा हूँ, तो मेरी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। तो वो केस में अगर वो ऐसा चाहते हैं तो ये एक थीम उसके लिए काफी सही है कि जो मैं एनवायरमेंट के बारे में सोचता हूँ, वेस्ट एनर्जी और वो सब चीज के लिए सोचता हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि मेरी ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती कि मैं जाके खुद पार्टिसिपेट करूँ। बट ये इन्वेस्टमेंट के थ्रू अगर मैं ईएसजी में करता हूँ तो मैं एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से, सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से और गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं उसमें पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। तो ये तो एक बात रही कि ये मैं सोचता हूँ कि अगर हम ऐसा लगता है उनको कि मुझे कुछ पार्टिसिपेट करना चाहिए, इम्पैक्ट करना चाहिए सोसाइटी को, तो ये एक थीम काफी इंटरेस्टिंग होगी ईएसजी की। और दूसरी बात यह है कि अगर पोर्टफोलियो में मैंने बाकी सारे चीजें मैंने रखी है, राइट, जैसे रुचि जी कह रहे थे कि लार्ज कैप ओरिएंटेड पोर्टफोलियो है, अगर मेरे पास पहले से लार्ज कैप है, मिड कैप है, स्मॉल कैप है या मल्टी कैप या फ्लेक्सी कैप है, तो मैं जो एक कुछ एक अलग कोशिश करना चाहता हूँ मेरे पोर्टफोलियो में, कुछ रिस्क रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कैलकुलेशन करता हूँ, या तो मेरे जो सलाहकार है वो मुझे अगर गाइड करते हैं, तो ये जो 5-10% का जो एक ऑप्शन होता है वहां पे हम एक सेक्टोरियल थीम के साथ ईएसजी को भी रख सकते हैं ओवरऑल अपने 100% पोर्टफोलियो में। बट ये डेफिनेटली जैसे मैंने पहले भी कहा, इनिशियल वे में हम ईएसजी को नहीं देख सकते, ये थोड़ा सा नया फंड है, नया थीम है, जैसे इंडिया में ग्रो हो रहा है, बट डेफिनेटली 5% के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी जो एलोकेशन ऑफ मनी है टोटल, उसमें आप ये उसको इनप्लेस कर सकते हो। और अगर आप सोसाइटी के लिए, एनवायरनमेंट के लिए, अपने कंट्री के लिए कुछ करना चाहते हो इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये एक काफी अच्छी चीज होगी। क्योंकि स्वाति जी, ये मैं पॉइंट यहाँ पे ऐड करूंगा कि इंडिया में अगर आप देखें ना तो CSR जो इनिशिएटिव्स कॉर्पोरेट्स लेते हैं वो काफी बहुत अच्छी तरीके से वो होता है, बट हमारी जो गाड़ी है, हमारे देश की गाड़ी है, थोड़ी वो एनवायरमेंटल इश्यूज और वो सब चीज में अटक जाती है, तो वहां पे थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है ये ऐसे वाले फंड्स में। बट डेफिनेटली जैसे रुचि जी ने कहा कि ग्रो हो रहा है, पहले 2 स्कीम हुआ करती थी, अभी ऑलमोस्ट 9-10 स्कीम्स आ चुकी है, तो ये उसको यहाँ पे अपने पोर्टफोलियो में बिठाना काफी सही तरीके से होगा और 5% एलोकेशन हम सोच सकते हैं। बिल्कुल बिरल, हम बात करें मुनाफे की नई थीम ईएसजी स्कीम के बारे में। हमारे साथ SBI म्यूचुअल फंड्स के फंड मैनेजर रुचित मेहता हैं और साथ ही मनी मंत्र के फाउंडर विरल भट्ट हैं। रुचित, किसी को ईएसजी स्कीम में निवेश करना है तो तरीका क्या होगा? जैसे नॉर्मल कोई भी म्यूचुअल फंड होगा उसी हिसाब से आपके एडवाइजर से बात कीजिए, वो आपको बताएंगे कौन सा बेस्ट स्कीम आपके लिए सूट होगा, या फिर जो रेलेवेंट म्यूचुअल फंड है उसके वेबसाइट से जाके आप कर सकते हैं।
तो बाकी और जो नॉर्मल म्यूचुअल फंड के हिसाब से आप करते हैं, सेम प्रोसेस रहेगा आपके लिए। ओके, क्या ESG से जुड़े ETF भी हैं जिनमें निवेश करने का विकल्प निवेशकों के पास रहता है? हाँ, इंडस्ट्री में एक ETF है जो निफ्टी 100 ESG लीडर्स इंडेक्स करके जो एक इंडेक्स है उसके बेसिस पे एक इंडेक्स फंड है। एग्जैक्टली वो ETF तो नहीं है पर एक इंडेक्स फंड है, तो वो भी एक ऑलमोस्ट ETF जैसा ही हो गया, बट वो भी एक ऑप्शन है इन्वेस्टर्स के पास। ओके, और एक निवेशक को ESG फंड अगर लेना है तो लगभग कितने टाइम तक का होराइजन किसी को रखना चाहिए? क्योंकि हमें मालूम है जब भी हम निवेश करने की शुरुआत करते हैं हमारे मन में एक लक्ष्य होता है, फिर एक टाइम होराइजन होता है, तो कैसे निवेशकों के लिए आप ESG फंड रेकमेंड करेंगे और निवेशकों को ध्यान में क्या रखना चाहिए ESG फंड चुनने से पहले? टिपिकली हम कोई भी इन्वेस्टर को कहते हैं कि अगर आप इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट करते हो तो मिनिमम 3 to 5 years का टाइम होराइजन लेके ही आप इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि मार्केट्स में वॉलिटिलिटी आ सकती है। जैसे हमने 2020 में देखा था, बहुत जोर की वॉलिटिलिटी हुई थी, उसके बाद से अच्छी सी रिकवरी भी आई थी। तो टिपिकली हम कोई भी इन्वेस्टर कहेंगे आप 3 से 5 साल का टाइम होराइजन लेके रखें। जाके रिस्क की बात हुई तो आपको हर एक फंड को इवेल्युएट करना पड़ेगा कि वो फंड का एसेट एलोकेशन कैसा है, या लार्ज कैप ज्यादा है उसमें या मिड स्मॉल कैप ज्यादा है। तो उनकी जो रिस्क एपेटाइट है उसके हिसाब से अगर चुने। अगर आप ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहेंगे तो कोई भी लार्ज कैप ओरिएंटेड ESG फंड लीजिए। अगर आप बहुत रिस्क लेना चाहते हो तो जो फंड में ज्यादा मिड स्मॉल कैप होंगे आप उनको चूज कीजिए। जोखिम भी चला दो। ओके, और लगभग रुचित कितना परसेंटेज ऑफ पोर्टफोलियो किसी ESG फंड को देना चाहिए? क्योंकि यहाँ पर कई जो दर्शक हमें देख रहे हैं वो ये भी इनफैक्ट मन में सोच रहे होंगे कि एक थीमेटिक फंड में क्योंकि निवेश करना है तो लगभग कितना एक्सपोजर उनको रखना चाहिए एक पोर्टफोलियो का? जनरली हमने जो कोई भी इन्वेस्टर्स से हम एडवाइस देते हैं कि कोई भी थीमेटिक फंड होता है तो उसमें आप 5 to 10% तक जा सकते हैं एक सिंगल थीम के पीछे। बट यहाँ पे मैं एक इम्पोर्टेंट डिस्टिंक्शन करना चाहूंगा कि जब हम ESG देखते हैं तो ESG बकायदा एक थीम की तरह से माना जाता है, बट ESG फंड जो होते हैं टिपिकली वो बहुत ही डाइवर्सिफाइड होते हैं, अक्रॉस सेक्टर्स होते हैं, तो वो मैनेज किए जाते हैं मोस्ट अदर लार्ज कैप फंड या मल्टी कैप फंड की तरह मैनेज किए जाते हैं। तो अगर इन्वेस्टर्स ऐसे देखा जाएंगे तो ESG फंड्स कोई भी लार्ज कैप या मल्टी कैप या फ्लेक्सी कैप फंड्स की तरह ही है। उनमें कोई स्पेसिफिक थीम स्पेसिफिक रिस्क नहीं है, जैसे कोई इंफ्रा फंड में डालना चाहेगा या बैंकिंग फंड में डालना चाहेगा तो वहां पे एक सिंगल सेक्टर का रिस्क होता है। ESG फंड में वो रिस्क नहीं होता है। तो इसमें आप नॉर्मल कोई भी लार्ज कैप या मिड कैप फंड के हिसाब से उनको ट्रीट कीजिए और उसमें इन्वेस्ट कीजिए। ओके, विरल, जैसा रुचित ने बताया कि आप अपने फाइनेंशियल सलाहकार से सलाह करके आप फंड में निवेश कर सकते हैं, आप खुद एक फाइनेंशियल प्लानर हैं, तो जो दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं जो ESG फंड में भी निवेश करने का मन बना रहे हैं उनके लिए और जनरली म्यूचुअल फंड में निवेश के लिए फाइनेंशियल सलाहकार से सलाह लेना इम्पोर्टेंट क्यों है और एक फाइनेंशियल सलाहकार आपकी फंड चुनने में मदद कैसे करता है? फाइनेंशियल सलाहकार एक्चुअली कैसा रहता है कि कोई भी अगर आदमी अपना फाइनेंशियल प्लान या तो इन्वेस्टमेंट्स करने का सोचता है तो कुछ एक डेस्टिनेशन सोचकर जाता है, राइट। अभी वो डेस्टिनेशन पहुंचने के लिए उसके पास बहुत सारे रूट्स हो सकते हैं कि मैं यहाँ से निकल सकता हूँ, या तो ये भी रास्ता है वो भी रास्ता है, बट सही रास्ता कौन सा? ये जो सही रास्ता जो दिखाने वाली बात है वो फाइनेंशियल एडवाइजर या वित्तीय सलाहकार आप कह सकते हैं कि वो बता सकता है सही तरीके से, और वो काफी डिस्कशन में उनके साथ बैठकर बात कर सकते हैं कि उनके फाइनेंशियल गोल्स क्या है, उनको ये पैसा कभी चाहिए, उनका रिस्क कैसा है, वो रिस्क कितना उठा सकते हैं, क्योंकि इक्विटी मार्केट्स में आप जब इन्वेस्टमेंट करते हो तो वो कहीं ना कहीं एक रिस्क तो उठा रहता ही है हमेशा, और वो रिस्क उठाने की क्षमता उनकी कितनी है, तो वो रिस्क समझाने का जो काम है वो वित्तीय सलाहकार काफी अच्छी तरीके से कर सकता है। फाइनेंशियल एडवाइजर उसके साथ बैठकर उनके फाइनेंशियल समझ सकता है और उनके गोल्स क्या है, और गोल्स के हिसाब से उसको वो फंड एलोकेशन कह दो या तो जो परसेंटेज की जो बात चल रही थी वो परसेंटेज वो काफी अच्छी तरीके से उसको बता के उसको एक गाइडेंस दे सकता है कि आपको कैसे आपका इन्वेस्टमेंट बनाना चाहिए, स्ट्रक्चर करना चाहिए, रोड मैप कैसा होना चाहिए।
एब्सोल्युटली, तो यही हमारा पूछने का मकसद ये था कि कई जो निवेशक होते हैं खुद से निवेश करना चाहते हैं, DIY निवेशक है, लेकिन कई जगह ऐसी हो जाती है निवेश में जहां पर आपको एक फाइनेंशियल सलाहकार की मदद लेने की जरूरत पड़ती है। और रुचित, आप हमारे साथ आज के इस खास शो में शामिल हुए, और विरल, आपका भी धन्यवाद हमारे साथ इस शो में शामिल होने के लिए, ESG थीम की बारीकियां बताने के लिए हमारे दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो मनी गुरु में आज के लिए बस इतना ही, रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए ZEE Business।